सभी का हिंदी सत्र में स्वागत कर लेते हैं। तो सभी को फिर से नमस्ते, सभी का स्वागत है। अभी हम विक्रम भैया और परिवार की शेयरिंग को सुन लेते हैं। जी नमस्ते भैया, मैं आपका परिचय रख देती हूँ। विक्रम भैया के परिवार में पत्नी आशा यादव जी हैं, दो बेटियां नंदिनी और विकासा हैं, और बेटा भविष्य है। भैया की ये तीसरी शेयरिंग है। और भैया परिवार सहित UHV लिविंग सेंटर में लंबे समय तक रहते हुए सहयोगी हैं, और स्वयं स्वयं में समझते हुए किसान परिवारों तक भी इसे भेजने का कार्य भैया कर रहे हैं। जी भैया, आप अपनी शेयरिंग को रख सकते हैं। विक्रम जी भैया पहले बच्चे रखेंगे जी। ठीक है भैया। सभी को नमस्ते। मेरा नाम भविष्य है, मैं क्लास 3rd में पढ़ता हूँ। मैं भगवान अंकल का दोस्त हूँ। UHV से मुझे बहुत बदलाव आए हैं। पहला मैं बहनों से लड़ाई झगड़ा करता था, वो थोड़ा ठीक हो गया है। और मैं मम्मी के काम में सहयोग करवाने लगा हूँ। और मैं पेड़ पौधे भी प्रकृति पे ध्यान देने लगा हूँ, और भगवान अंकल के साथ पेड़ पौधे भी लगा रहा हूँ। सभी को नमस्ते। मेरा नाम नंदिनी यादव है और मैं क्लास 10th में अभी गई हूँ। और अब मेरी उम्र 14 वर्ष है और मेरा और मेरे परिवार का UHV से जुड़ाव भगवान अंकल के द्वारा हुआ। मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेशन से जोड़ा, जिससे मुझ में बहुत से परिवर्तन आए। मैंने मॉर्निंग सेशन को रेगुलर सुना है, जिससे मेरी अभ्यास 1 व 2 पे अच्छी समझ बनी है और इन्हें अपने जीवन में भी और पहले की अपेक्षा और अच्छे से देख पा रही हूँ। तो अभ्यास 1 और 2 की बात करूँ तो अभ्यास 1 में स्वयं के द्वारा स्वयं को मूल्यांकन किया। तो स्टेप 1 में अपनी कल्पनाशीलता को देखना। तो पहले तो जब देखनी जाती थी तो पता चलता था कि देखने बैठी हूँ और कल्पनाशीलता में ही खो गई, तो ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था। लेकिन इस बार 9th बैच में इस पर और अच्छे से ध्यान गया और अब इसको थोड़ा थोड़ा और अच्छे से गहराई से देखने का प्रयास कर रही हूँ और इसको समझ भी पा रही हूँ। तो स्टेप 2 में कौन से मुझ में सहज भाव चल रहे हैं या असहज, तो इसका मैं एक उदाहरण दूंगी। जब पहले मेरे एग्जाम होते थे तो मैं खुद को असहज देखती थी कि पेपर कैसा जाएगा, एक तरह का भय सा लगा रहता था। लेकिन अभी जब मैंने 9th के एग्जाम हुए तो मैं असहज नहीं हुई और अपने को सहज स्थिति में रखी रही, जिससे मेरा पेपर और अच्छा गया और मुझे स्टेप 2 और अच्छे से क्लियर भी हुआ। और स्टेप 3 को बात करूं तो स्टेप 2 के उदाहरण से देख पाई, क्योंकि जब पहले एग्जाम होते थे तो जो असहजता रहती थी तो मैं उससे दुखी भी होती थी और परेशान की स्थिति में रहती थी। लेकिन इस बार जब मैं सहज रही, अपने भाव में रही तो सुखी रही और कोई परेशानी नहीं रही, तो इसको देख पाई। और स्टेप 4 में देखा कि जो मैं सहज और असहज भाव चलते हैं उनका निर्णय मैं लेती हूँ। यह मुझ में एक मैं अच्छा परिवर्तन देख पाई कि जो मैं पहले अपने सुखी दुखी होने का जिम्मेदार दूसरों को मानती थी, उसका निर्णय तो मैं स्वयं लेती हूँ। इसके लिए 100% तैयार हूँ। इस पर भी मेरा और अच्छे से ध्यान गया। और स्टेप 5 में पहले तो अधिकतर जो मैं निर्णय लेती थी तो इसका आधार मान्यताएं ही होती थी जो पहले से बहुत सी बनी हुई हैं, इनको ज़्यादा देखना नहीं होता था। लेकिन इस बार और अच्छे से क्लियर हुआ है और इन मान्यताओं की जगह सही समझ के आधार पर निर्णय ले पाऊँ, तो पूरे तो नहीं कह सकती लेकिन हाँ कुछ का प्रयास करती हूँ कि इसका समझ आधारित दे पाऊँ अर्थ। और स्टेप 6 में मुझे कौन सा भाव सहज स्वीकार है, संबंध व्यवस्था सहस्तित्व या विरोध अव्यवस्था संघर्ष, तो ये तो देख पाती हूँ कि मुझे संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व ही सहज स्वीकार है। लेकिन अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं जा पा रहा था। लेकिन अभी मैं अपने पूरे परिवार के साथ कानपुर में 7 दिन के परिचय शिविर में गई तो वहाँ मेरा इस स्टेप पर और अच्छे से ध्यान गया। संबंध दूसरों के प्रति कैसा होता है, मैं और मैं के बीच एक संबंध बना हुआ है और दूसरा मेरे जैसा है, तो इस पर वहाँ से जब समझा तो इस पर और अच्छे से ध्यान गया। और वहाँ की एक व्यवस्था देखकर व्यवस्था और सहस्तित्व पर भी बहुत अच्छे से ध्यान गया।
और स्टेप 7 में यह स्पष्ट भी होता है कि अब मैं संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व को समझना शुरू कर दिया है, और इसमें जीना भी मैं अब प्रयास कर रही हूँ कि हो पाए, और थोड़ा थोड़ा इसको देख भी पा रही हूँ। तो अभ्यास 1 में मेरी इतनी समझ बनी, और अभ्यास 2 में बात करूँ तो स्वयं द्वारा शरीर का मूल्यांकन करना, अभ्यास 1 के स्टेप अभ्यास 2 के स्टेप 1 में। इस बार अभ्यास 2 के स्टेप 1 पर काफ़ी गति बनी। मैं घर में जो भी कार्य करती थी तो देखती थी कि इसमें शरीर क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से मैं और शरीर दोनों अलग अलग हैं, इनको देखने का प्रयास करती थी, और अब स्पष्टता भी बन रही है और मैं और शरीर दोनों अलग हैं, इसको देख भी पा रही हूँ। स्टेप 2 में मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इसको भी देख पा रही हूँ। और स्टेप 3 में इस स्टेप से मुझ में एक परिवर्तन आया, क्योंकि जब भी मैं पढ़ती थी तो बाहर की संवेदनाएं आती थी जिससे मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाती थी, मेरा मन ही नहीं लगता था। लेकिन जब स्टेप 3 क्लियर हुआ तो समझ में आया कि किस संवेदना को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इसका निर्णय तो मैं ही लेती हूँ। जब ये स्टेप क्लियर हुआ तो अब जब मैं पढ़ती हूँ तो बाहर से कोई संवेदना आती है तो जो महत्वपूर्ण होती है मैं उसी को बस पढ़ती हूँ, जिससे मेरा पढ़ाई के ऊपर और अच्छे से ध्यान जाने लगा है। और स्टेप 4 की बात करूँ तो मैं संवेदना से दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाती हूँ, और मैं और शरीर के बीच एक निश्चित दूरी बनी हुई है, इसको अभी समझ रही हूँ। और स्टेप 5 में मुझे पहले की अपेक्षा और स्पष्ट हुआ है, क्योंकि पहले जो बाहर से संवेदनाएं आती थीं तो अधिकतर संवेदनाओं का अर्थ मैं मान्यता आधारित देती थी, और लेकिन अब जब बाहर से संवेदनाएं आती हैं तो मैं प्रयास करती हूँ कि उनका अर्थ समझ आधारित दूँ, जिससे और अच्छे से रिस्पॉन्स हो पाता है दूसरों के प्रति। और स्टेप 6 में जब मैं संवेदना का अर्थ मान्यता आधारित देती थी या अभी कोई कोई का देती हूँ तो देख पाती हूँ कि जब इसका मान्यता आधारित अर्थ देती हूँ तो मैं एक तरह से परतंत्र रहती हूँ, लेकिन जब इसका अर्थ समाज आधारित देती हूँ तो मैं स्वतंत्र रहती हूँ, इसको देख पाई और इस पे मेरी काफी समझ बनी है। स्टेप 7 में मेरा ज्यादा ध्यान नहीं गया था, लेकिन अभी जब कानपुर जाना हुआ तो गणेश सर ने शून्य को बहुत ही अच्छे से समझाया, जिससे मेरी शून्य पर काफी स्पष्टता बनी है कि मैं और शून्य में बनी हुई हूँ और निरंतर क्रियाशील हूँ, शरीर भी शून्य में बना हुआ है और निरंतर क्रियाशील है, और शरीर मेरे लिए सिर्फ एक साधन मात्र है। तो इस पर अब ध्यान जाने लगा है। तो अभ्यास 1 व 2 में मेरी इतनी समझ बनी और इन्हें और गहराई से समझने का प्रयास कर रही हूँ। सुख स्वभाव है या प्रभाव दबाव, तो इस बार 9th बैच में यह और स्पष्ट हुआ कि सुख तो मेरा स्वभाव है, जिसे अभी मैं हम बाहर के व्यक्तियों से या दूसरे से अच्छे भाव पाकर सुखी होने का प्रयास कर रहे थे, एक तरह से सुख को प्रभाव के रूप में लिए हुए थी, लेकिन अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि सुख तो मेरा स्वभाव है। और स्वयं के लिए समय की बात करूं तो मॉर्निंग सेशन को तो मैं रेगुलर सुनती ही हूं, इसके साथ साथ हर गुरुवार को श्री भगवान सिंह परमार अंकल के द्वारा स्वतः स्वतंत्र स्वराज ग्रुप पर बैठकें होती हैं जिनमें मैं भागीदार होती हूं, और शाम को 1 घंटे पूरे दिन में जो भी हुआ उन घटनाओं को मूल्यांकन करने में भी लगाती हूँ। और मैं लास्ट में 2 बातें और कहना चाहूंगी। पहली तो हम लोग भगवान अंकल के मार्गदर्शन में UHV लिविंग सेंटर नौगांव में कुछ ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जिनमें बच्चों का प्रकृति के प्रति लगाव बढ़ रहा है। सेंटर में हम लोगों ने झूले लगाए हैं जिनसे बच्चे वहाँ आते हैं, झूला झूलते हैं, और एक UHV वेस्ट बगीचा भी बनाया है जिसमें हम लोग बच्चों को एक एक क्यारी देंगे जिसमें वे बीज बोएंगे, अलग अलग पौधे बोएंगे, जिससे वे मोबाइल के गेम से दूर आकर प्राकृतिक चीजों को समझेंगे, और यह भी देख पाए हैं कि उनका एक प्रकृति के, उन्हें तो यह भी नहीं पता होता था कि ये बीज किसका है, लेकिन अब उनका धीरे धीरे से उस पर ध्यान जाने लगा है। और दूसरा यह कि भगवान अंकल के मार्गदर्शन में
मैं अपने जैसे और भी बच्चों को जितना मैंने समझा है उतना उनके साथ भी साझा कर पाऊँ इस प्रयास में हूँ। इसके लिए मैं आप सबसे अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग मेरा जितना आवश्यक सहयोग हो पाए उतना करें। इसी के साथ भगवान अंकल के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और अरुणा आंटी के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता, क्योंकि जब भी हम लोग बीमार होते हैं तो अरुणा आंटी की याद आती है, क्योंकि वही है जो औषधियों से हम लोगों को बहुत सा ज्ञान देती हैं। तो उनके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ और कुमार भैया के प्रति भी कृतज्ञता। सभी को धन्यवाद। बस इतना ही। जी दीदी, पुनः सभी को नमस्ते। मेरा नाम विक्रम यादव है, जो कि मेरा जन्म ग्राम सिमरदा में हुआ, जो नौगांव के पास में ही है। यूएचबी से जुड़ने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त श्री भगवान सिंह परमार एवं श्रीमती अरुणा परमार जी के माध्यम से हुआ, जिनके प्रति मेरी बहुत बहुत कृतज्ञता। यूएचबी लिविंग सेंटर एवं श्री पुष्पेन भाई के मार्गदर्शन में यूएचबी बेस्ड किसानी यह सुखमय खेती का स्वरूप कैसा होगा, इस पर मैं लगातार प्रयास में हूँ और गांव में जाकर इस पे किसानों से चर्चा होती है, जिससे कुछ किसान परिवार में इसका असर भी अब दिखने लगा है। क्योंकि अभी जो खेती हो रही है वो पूरी बाजार बेस हो रही थी, जैसे ही ये बात मुझे समझ में आई और जैसे ही यूएचबी का स्वावलंबन की बात मुझे समझ में आई, तो मैं ये पूरी समझ के साथ, पूरी तो नहीं कह सकते, थोड़ी समझ के साथ किसानों के बीच में इस बात को लेकर गया हूँ, जिससे कुछ परिवार के चेहरे पे जो हंसी दिखती है उससे मैं भी आनंदित होने लगा हूँ। और यह जैसे ही सभी उपयोगी वस्तुएं किसान स्वयं पैदा करे, इस बात को भी आप ठीक ठीक तरीके से समझा पाते हैं। अभी कानपुर संस्थान शिविर में जाना हुआ, जिससे कुछ स्पष्टता और बनी, जहां संबंधों में थोड़ी पहले तो कार्य हुआ है लेकिन कुछ फसावट थी, जहां पे वहां पे और स्पष्टता 3 दिन वहां पूरी चर्चा संबंधों पे हुई, तो उस पे अच्छे से ध्यान गया है कि कहाँ कहाँ हमारी चूक हो रही है, कहाँ कहाँ हम छोटी सी बातों पे शंका कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारी छोटी बातों पे हमारा अहंकार आड़े आ रहा है। इस पर अब अच्छे से ध्यान जाने लगा है। और शिविर के लास्ट दिन मैं ध्यान दूं कि मेरा अब धीरे धीरे बहुत तेजी से ध्यान जाने लगा है, ऐसा पूरा हो गया ऐसा नहीं कह सकते। मैं चादर धो रहा था तो मेरे अंदर चल रहा था, मैं सबसे पहले उठ के शेषराम भैया चले गए थे, तो पानी चलाने की जिम्मेदारी थी मेरी, सब टंकियां भरने की, तो मैंने कहा सबसे पहले जाग ही जाता था, चादर धोने का काम किया, तो मेरे अंदर चल रहा था कि सब कोई मुझे देख के चादर धोने लगी, ये बहुत चल रहा था। और जब मैं चादर धो के उस रस्सी पे डालने गया तो वो रस्सी टूट गई, तो दीदी मेरा ध्यान गया कि कहीं ये मेरा अहंकार तो नहीं था। जब जाते वक्त सर से मैं पूछा कि सर जी क्या था, तो वो बड़े चेहरे पे हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगे, बोले ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आया कि ये व्यवस्था के अर्थ में तो ठीक था, ठीक सोच रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार था। तो ऐसी बारीकी बारीक चीज है अहंकार, जो मुझे बहुत स्पष्ट हुआ कि वास्तव में हर पल जो हर क्षण कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है, कि हमें हर पल हर क्षण स्वयं में ध्यान देना होगा कि कहाँ हमारे भाव बिगड़ रहे हैं, कहाँ हमारा अहंकार आड़े आ रहा है। तो अब ध्यान जाने लगा है। अभ्यास एक की बात करें, मैं अपनी कल्पनाशीलता को देखता हूँ और अभ्यास के दौरान कानपुर में जो 1 घंटे का अभ्यास हो रहा था उसको देख पाए, और अपने भाव विचार इनमें मैं कभी सहज हो रहा हूँ कभी असहज हो रहा हूँ इसको देखा। स्टेप 3 में मेरे अंदर जो भाव विचार चल रहे हैं उससे मैं कभी सुखी हो रहा हूँ कभी दुखी हो रहा हूँ, इसमें अब धीरे धीरे समझ बढ़ने लगी। और ये अब समझ आने लगा कि जो कल्पनाशीलता में हम चला रहे थे उसी से हम सहज असहज और हमारे दुख का कारण वही है, क्योंकि वो इतना फास्ट भाग रहा था जिसका हमें, और एक यूएचबी के माध्यम से कल्पनाशीलता जैसा शब्द मिला, और ये भी पता चला कि अंदर जो चल रहा है वो कौन चला रहा है। स्टेप 4 की बात करें तो मैं देखता हूँ कि मेरे सहज सुखी दुखी होने का निर्णय अब मैं देख पा रहा हूँ, ये मेरी मान्यताएं थी, बाहर परिस्थिति थी।
स्टेप फाइव में मैं जैसे ही जाता हूँ, इसका आधार क्या है, मेरी सहज स्वीकृति या बाहर की कोई परिस्थिति? तो मैं देखता हूँ कि अभी तो इसका आधार बाहर परिस्थिति है, मेरी सहज स्वीकृति नहीं। अब मैं सहज स्वीकृति, जैसे ही इस पर चर्चा हुई तो लगा कि ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है, क्योंकि सहज, जब तक हमारी स्वीकृति किसी कार्य में नहीं होती, हम उसके प्रति एक कमिटमेंट नहीं हो पाते हैं। हमारी सहज स्वीकृति ही है, अगर किसी कार्य को, कोई भी, जैसे हमने निर्णय लिया कि हमें मकान बनाना है, तो वो मेरी सहज स्वीकृति है, क्योंकि वो हमने सहज रूप से निर्णय लिया। अब इसको मैं धीरे धीरे देखने लगा हूँ। मैं संवेदना स्टेप सिक्स में मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सा भाव सहज स्वीकार है, संबंध व्यवस्था, सह अस्तित्व या विरोध, अव्यवस्था और संग्रह। तो हर मानव की और मेरी ही चाहना थी कि संबंध पूर्वक और व्यवस्था पूर्वक रहूं, लेकिन अब इस पर ध्यान नहीं था, जो अब ध्यान जाने लगा। अब मुझे स्पष्ट होने लगा है स्टेप सेवन से कि मुझे संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को समझना है और इसी के आधार पर मेरा जीना हो। अभ्यास दो की बात करें, स्वयं से शरीर को देखना है या उसका मूल्यांकन करना। मैं और शरीर दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। अब मैं इसको देख पा रहा हूँ, इस पर काफी डिस्कशन, एक भैया थे जो कह रहे थे कानपुर में कि लास्ट दिन उन्हें समझ में आया कि मैं और शरीर अलग हूँ। मैं भी थोड़ी फंसा था, लेकिन उस पर भी बहुत चर्चा हुई, तब अब दिखने लगा है कि हाँ, अब आगे से और इस पे गहराई से ध्यान देंगे। मैं और स्टेप दो में मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जे अब दिखने लगा है, ऐसी पूरी स्पष्टता बन गई है, ऐसा अभी नहीं कह सकते हैं, देखने के क्रम में है। स्टेप तीन में शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं ही लेता हूँ, जे अब कुछ कुछ दिखने लगा है। और स्टेप फोर में मैं संवेदना से दूर होते ही संवेदना को पढ़ पाता हूँ, मैं और शरीर के बीच दूरी है, मैं और शरीर के बीच दूरी है, ये तो दिख रहा है, लेकिन संवेदना को पढ़ना थोड़ी अभी कठिन लग रहा है कि कैसे पढ़ पाते हैं, लेकिन इस पर प्रयास जारी है। और स्टेप फाइव में मैं संवेदना को अर्थ किस प्रकार देता हूँ, ये तो दिखने लगा है कि अर्थ है, लेकिन पढ़ने का थोड़ी अभी कठिनाई जा रही है। मैं अर्थ किस प्रकार देता हूँ, मान्यता आधारित या समझ आधारित? तो अभी मान्यता आधारित दे रहे थे, लेकिन अब समझ धीरे धीरे विकसित हो रही है। स्टेप सिक्स में मैंने देखा कि जब मैं संवेदनाओं को अर्थ मान्यता आधार देता हूँ तो बिल्कुल पूरी तरह से परतंत्र होता हूँ, क्योंकि अभी जो हमारे परतंत्र होने का कारण ही दूसरे लोग थे, वो मान्यताएं थी। जब मैं स्वतंत्रता पूर्वक देता हूँ, समझ आधार देता हूँ, तो स्वतंत्र होता हूँ, इसको अब समझने लगा हूँ। स्टेप सेवन में सह अस्तित्व पे सर ने लास्ट दिन क्लास ली, और पहले श्री भगवान सिंह परमार जी ने भी सह अस्तित्व पे काफी समझाया। अब और धीरे अच्छे से क्लियर हुआ है कि मेरा होना शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है, मैं निरंतर क्रियाशील हूँ, और मेरा शरीर भी शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है, निरंतर क्रियाशील है, शरीर मेरे लिए एक साधन मात्र है। जिसको हमने शरीर को ही मुख्य मान लिया है, उस पे ही अभी सारा ध्यान शरीर और सुविधा के माध्यम से ही चला रहे थे, अब इस पे ध्यान जाने लगा है। सुख क्या स्वभाव है, प्रभाव दबाव है? तो सुख को तो अब मैं पूरा 100% तो नहीं, लेकिन 90% कह सकता हूँ कि अब समझ में आने लगा है कि सुख मेरा स्वभाव है भाई, क्योंकि अभी जो अपेक्षा रहे सुख था, दूसरों से सुख पाने का था, अब वो दिखने लगा है कि किसी ने कुछ कहा तो हम सुखी हो गए, दुखी हो गए, और किसी ने कुछ हमारे मन का कह दिया या कर दिया तो हम सुख हो गए, क्योंकि अभी सुख का रिमोट तो हम अभी दिखने लगा है कि दूसरों के हाथ में दिए थे, और सुख पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं था, अब ये दिखने लगा है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी शिविर से जाने के पहले गाँव जाना हुआ, पिताजी ने बुलाया था, तो पिताजी ने बुलाया, वहाँ चर्चा होके आ गई। अब मेरे अंदर चल रहा था कि पत्नी पूछ ले कि क्या कहा, उनने नहीं पूछा, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, फिर 2-3 दिन के बाद किसी के कोई खड़ा था उसके सामने पूछा, तो हमने नहीं बताया,
फिर 3 दिन ये तो चलता रहा कि भाई ये हम अपेक्षा क्यों कर रहे हैं, नहीं पूछा तो हम क्यों दुख मन में चला रहे हैं या अपना दुख है, यानी अब वो विचार चलने लगा जी अंदर से निकला कि भाई आप क्यों परेशान हो रहे, आप क्यों चला रहे हैं, नहीं पूछा तो नहीं पूछा, वो उनका स्वभाव है, जो हमारा कर्तव्य था वो हम करके आ गए। फिर उनने किसी खड़े थे उनके सामने पूछ दिया तो वो गुस्सा, हमने नहीं बताया तो वो गुस्सा हो गई, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है, जब समझ आया तब आया, तब पूछ लिया तो बता देना चाहिए। तो इस तरीके से अब ध्यान में जाने लगा है और सुख स्वभाव में देखने लगा है, यानी अब मन को अपने आप को समझा पाते हैं, कोई अपेक्षा नहीं हुई कि क्यों अपेक्षा कर रहे हो, नहीं कर पाया कारण बस है या कोई है भाई, उतनी समझ है, योग्यता बढ़ाने में करेंगे स्वयं के लिए। अभी तो मार्च के बाद से पूरा माहौल घर में बना हुआ है क्योंकि कानपुर जाना हुआ, परमार साहब ने कहा कि 14 अप्रैल से शिविर है, तो सभी एक माहौल बना था, बच्चों के पेपर हो गए थे तो पूरा समय हम भी फ्री थे, अच्छे से समय लग पाया, और वैसे तो समय 1-1.5 घंटे ही कम लगा पाते हैं, एक तो सेशन हुआ और दूसरा जी, लेकिन आगे और प्रयास करेंगे। भागीदारी में जो भी आगे गर्मियों के बाद UHB लिविंग सेंटर अभी भागीदारी के रूप में किसानों के बीच में तो जाहिर है, और भी जो भागीदारी देंगे मैं चाहूँगा कि आगे से जो भी सहयोग होगा मैं सेंटर के लिए कर पाऊँ, 2 घंटे समय निकालने का प्रयास करूँगा और उसको जैसे भी जो भी कार्य उनके मार्गदर्शन में होगा उसको पूरा करने जिम्मेदारी मिलेगी वो कर पाऊंगा, जिससे मेरा समाज और प्रकृति के प्रति और भी लगाव बढ़ सके। जिम्मेदारी इसलिए कि क्योंकि सेंटर के माध्यम से ही समाज के प्रति जो कार्य हो रहा है उसमें मेरी भागीदारी हो पाए, ये मेरा सौभाग्य है, और ये मेरा सौभाग्य है कि जो श्री भगवान सिंह परमार जी के माध्यम से UHB जैसी वस्तु मुझे मिली, जो परिवार में जाने लगी है और सही समय पे मिल गई है, क्योंकि एक माहौल बना था, अगर हम अलग अलग समझते तो शायद मुझे लगता है कि मैं बहुत परेशान हो जाता और कठिनाई में पड़ जाता, लेकिन एक साथ सबको मिल गई और एक साथ सभी लोग उसमें धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, और अगली बार से मुझे ऐसी वो है कि आशा भी बोलने में बहुत संकोच करती हैं, तो बागिया सर ने कहा था कि तुम्हें बोलना नहीं है पहले समझ लीजिए, तो ये वही उनमें घबराहट चल रही थी कानपुर से, मैं जैसे 2 दिन बाद मिले सर से तो उनने आश्वस्ति दिलाई कि तुमसे कोई नहीं कहेगा कि बोलना है, पहले आप समझिए, तब उनके उन्हें लगा उस दिन से कि हमारा दिमाग थोड़ी रिलैक्स हुआ क्योंकि बोलने में डर लग रहा था। आगे ऐसा मुझे लग रहा है कि फिर लास्ट दिन उनने थोड़ी बात रखी भी है शिविर में मूल्यांकन में कि आगे बोलेंगी, और पूरी UHB टीम को भी मेरी बहुत बहुत कृतज्ञता कि इतना समय सभी लोगों को निकाल पाते हैं, और श्रीमती अरुणा परमार जी के माध्यम से हम लोगों के परिवार में जो प्राकृतिक रूप से थोड़ा बड़ा तबीयत खराब होती है, एक तो होता नहीं क्योंकि वो समय समय पे बताती रहती हैं कि ऐसा खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, वो खाना चाहिए, तो हो नहीं पाती है तबीयत खराब, अभी कभी कभी छाले भर होते हैं बेकासा को, और कोई ऐसा स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं है, तो पूरा परिवार और मेरे लिए कृतज्ञता का पात्र है, पूरी UHB टीम भी, और आगे जो भी जिम्मेदारी होगी जो भी भागीदारी होगी उसे हम लोग पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे, सभी को धन्यवाद। अभी कुमार भैया से निवेदन करूंगी कि भैया विक्रम जी की परिवार शेयरिंग के बारे में अपनी फीडबैक को रखें। जी भैया, तो सारे शेयरिंग बहुत ही अच्छे रहे, नंदी का भी शेयरिंग बहुत अच्छा रहा और विक्रम भाई का भी शेयरिंग अच्छा रहा, तो आप सभी के शेयरिंग में एक बात कॉमन रूप से दिखाई दी कि आप लोग सुबह के सत्र को ध्यान से सुन रहे हैं और एक विद्यार्थी भाव के साथ अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब ये एक अच्छा सहयोग है कि पिता भी अपनी शेयरिंग कर रहे हैं और सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी भी शेयरिंग कर रही है ना, और जो मुझे लगता है और जो परिवार में और सदस्य हैं ना वो तो ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, तो साथ साथ परिवार में समझना हो रहा है, एक सेल्फ के रूप में गति बन रही है, उसमें इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि है ना पिता है या पुत्र पुत्री है,
अल्टीमेटली समझना मुख्य कार्यक्रम है। और अभी जैसा भगवान भी बता रहे थे कि 20-25 गांवों में काम हो रहा है, तो मुरेंद्र जी, विक्रम जी, बच्चे जितना ज्यादा तैयार होंगे उतना अस्थायी रूप से पूरे गांवों में और क्षेत्र में काम हो पाएगा। पिछले दिन भी हम लोगों ने सुना था परिवार से शेयरिंग को, आज भी हम लोगों ने सुना और साथियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है और भी कई साथी होंगे जो अभी शेयरिंग नहीं कर रहे परंतु अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। ये जो भगवान भैया मीटिंग भी कर रहे हैं स्वतंत्रता स्वराज की, उससे तो ध्यान आकर्षण हो ही रहा है। सुबह कसरत अटेंड करने से भी ध्यान आकर्षण हो रहा है और एक अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि आप इसे एक खुले प्रस्ताव के रूप में लें और इसको अपने आप में ऑब्जर्व करें, अपने आप में ऑब्जर्व करते रहें और इसको परिवार बैठकर शेयर भी करें। कहीं ऐसा ना लगे कि ये जो बात सामने से आ रही है और जो आप शेयर कर रहे हैं अब आपको बिल्कुल इसके अनुसार ही आगे जीने के लिए आप बाध्य हो गए, ऐसा नहीं। तो आप इसको ऑब्जर्व करते रहें और इसको खुले होकर ऑब्जर्व करें। जितनी भी तरह की संभावनाएं या विषमताएं लग रही हैं उन सबको भी देखें। तो जितना आप इसको ओपनली फ्रीली ऑब्जर्व करेंगे उतना इस पर गहरे में आश्वस्ति बनेगी। एक तो अच्छी बात यह रही कि परिवार सहित आप लोगों ने अभी कानपुर का पूरा वर्कशॉप अटेंड किया, तो उससे आपने एक लिविंग मॉडल भी देखा और आपके यहाँ जो काम हो रहा है वो ऑलरेडी एक लिविंग मॉडल की तरह उस पर प्रयोग चल ही रहा है। तो इससे आप एक ना पूरा दृष्टि बना सकते हैं कि आगे निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की दृष्टि क्या होगी, है ना। उस पर भी ध्यान देना शुरू करें। तो और ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना शुरू किया है। अब एक स्टेप में काफी काम है अपने लिए करने के लिए। वैसे देखें तो जो एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है उसमें लगभग सभी उसी उम्र के हैं, है ना। तो जब से पिता ध्यान दे रहे हैं तब से बच्चे भी ध्यान दे रहे हैं, तो उस मामले में देखें तो सबकी उम्र बराबर है जो ऑब्जर्वेशन का टाइम लिया हमने। भले ही हमारे शरीर की उम्र अलग अलग है, एक्सपोजर हमारा समाज की अलग अलग है, तो इससे एक अच्छा प्रयोग भी तैयार होगा कि क्या स्थायी परिवर्तन इस विधि द्वारा हो सकता है, क्या ये बिल्कुल पूरी तरह से जीने में आ सकता है, क्या इसके आधार पर समाज में व्यवस्था स्थापित हो सकती है। तो उसका एक प्रमाण भी धीरे धीरे तैयार होने लगेगा। तो बहुत ही अच्छा है। इसमें मैं कहूँगा हम लोग हर बार सुनते हैं परिवार समूह के द्वारा शेयरिंग और हर बार सभी साथी इससे प्रेरित होते हैं, उत्साहित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसमें संतुलित रहकर आगे बढ़ते रहना ये मुख्य रूप से भगवान भैया की जिम्मेदारी है, क्योंकि तो भी बहुत सारा काम शेष है अपने ऊपर करने का भी और समाज के ऊपर करने का भी। और हम जितना विद्यार्थी भाव से अपने ऊपर काम करते रहेंगे और दूसरे को समझने में सहयोग करते रहेंगे उतने ही पूरे कार्यक्रम में स्थायित्व रहेगा। तो जब कोई अच्छा काम खड़ा होता है तो हमें बहुत संतुलन की आवश्यकता होती है और उसको बनाए रखते हुए हमको एक विधिवत मानव लक्ष्य की ओर गति करते जाना है। और ऐसे लिविंग मॉडल स्वराज व्यवस्था के बनते हैं तो वो पूरे क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए मैं कहूँगा कि एक उपलब्धि की बात होगी। क्योंकि सभी लोग अभी इसकी बात कहते हैं कि बात तो सब सही है, कई बार यही कहते हैं कि बात तो सदियों से होती रही है, ठीक है ना, जीने में कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है। और फिर उसके साथ जुड़े जितने भी तरह के शंकाएं होती हैं, प्रश्न होते हैं, उनका ऐसे समाधान निकलता है कि नहीं। तो हर व्यक्ति में अगर समाधान दिखाई दे, है ना, परिवारों में समृद्धि का भाव दिखाई दे, आपस में स्नेह दिखाई दे, तो सहज रूप से वो पूरा मॉडल प्रमाणित होने लगता है। तो बहुत ही अच्छा, मेरी तरफ से नंदी जी को, विक्रम जी को, पूरे परिवार समूह को, अन्य बच्चों को जिन्होंने बात रखी, ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई।